आज हम बनाएंगे हेल्दी एंड टेस्टी रगड़ा पेटीज बनाएंगे, वो भी कच्चे बनाने की रगड़ा पेटीज बनाएंगे। तो कच्चा बनाना की रगड़ा पेटीज बनाने के लिए मैंने एक कच्चा बनाना है वो मैंने यूज़ किया है। उसके बाद मैंने लिया है एक कप, ये है येलो बटाना है, वो मैंने 3-4 घंटे के लिए मैंने पानी में भिगो के रखा था। उसके बाद लिया है ऑयल लिया है, ये है पानी है। उसके बाद मैंने लिया है चॉप ऑनियन है, ये है टमाटर है, वो भी मैंने कट कर लिया है। ये है धनिया, ये बारीक शेव है, नाइलॉन शेव है। उसके बाद लिया है अदरक एंड मिर्ची है, ये लिया है हरी चटनी है, ग्रीन चटनी। उसके बाद ये है इमली की चटनी है, ये है लहसुन की चटनी है। उसके बाद ये मसाला मैंने यूज़ किया है मस्टर्ड सीड, जीरा, हींग, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट लिया है। तो हम सबसे पहले हम जो ये येलो बटाना है उसको हम ये उसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो गैस पर मैंने कुकर रख दिया है, मैं उसमें डालूंगी ऑयल डालूंगी, 1.5 स्पून जितना मैंने डाला है ऑयल डाला है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो हम उसमें डालेंगे 1/2 छोटी स्पून जितना मस्टर्ड सीड, 1/2 छोटी स्पून जितना जीरा, 1/2 छोटी स्पून जितना हींग डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे 1/2 स्पून जितना हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी स्पून जितना डालेंगे रेड चिली पाउडर। उसके बाद हम डालेंगे ये है अदरक एंड मिर्ची है, 1/2 स्पून अदरक है, 1/2 स्पून ग्रीन चिली है। उसके बाद हम डालेंगे ये चॉप ऑनियन है, 1/2 कप ऑनियन है। हम थोड़ा सा ये ऊपर गार्निशिंग के लिए रखेंगे। उसके बाद हम डालेंगे टमाटर डालेंगे, वो भी 1/2 कप है, वो भी हम थोड़ा रखेंगे गार्निशिंग के लिए। अच्छी तरह से उसको ये मसाला को हम मिला लेते हैं। मसाला को अच्छी तरह से मैंने ये मिला लिया है तो हम उसमें डालेंगे ये येलो बटाना है, 1 कप ये बटाना है, वो मैंने 3-4 घंटे के लिए मैंने पानी में भिगो के रखा था। तो 1 कप ये बटाना है वो हम डाल देते हैं। उसके बाद हम डालेंगे उसमें और पानी डालेंगे, 2 कप जितना मैं डालूंगी उसमें पानी डालूंगी। उसके बाद मैं डालूंगी सॉल्ट टू टेस्ट, फिर से मैं उसमें थोड़ा ऐड करूंगी पानी। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है हम, तो कुकर को हम ढक्कन लगा के हम 3 विसल लगाएंगे। तो हम कुकर को ये दूसरी साइड हम रख देते हैं। तो हम ये साइड हम ये जो बनाना है उसको हम बॉईल कर लेते हैं। तो ये बनाना को हम कट कर लेते हैं, बाद में हम ये बनाना को बॉईल करेंगे। उसका ये सिल्का है वो नहीं निकालेंगे, ऐसे ही बॉईल करना है। जैसे हम पोटैटो को बॉईल करते हैं वैसे हम ये बनाना को बॉईल करेंगे। तो देखिए मैंने ये कट कर लिया है, बीच में हम कट लगाएंगे तो आसानी होगी बॉईल होने के लिए। तो देखिए मैंने ये बीच में कट लगा लिया है। तो ये बनाना है उसको हम बॉईल कर लेते हैं। तो दोनों साइड हमारा ये बॉईल हो गया है, तो ये कुकर भी ये दोनों ठंडा हो गया है। तो हम देखिए हमारा ये बनाना है वो भी अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। तो ये साइड हमारा जो ये वटाना का जो रगड़ा है वो भी रेडी हो गया है, हम देख लेते हैं। तो देखिए हमारा ये येलो वटाना का जो रगड़ा है वो भी तैयार हो गया है, अच्छी तरह से ये बॉईल हो गया है। देखिए ऐसा ये रगड़ा तैयार करना है, अच्छी तरह से बॉईल भी हो गया है। तो ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया डालेंगे, हम उसको दूसरी साइड रख देते हैं, ढक्कन लगा के हम ये रगड़ा को रख देते हैं। तो हम ये जो पेटीज की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए हमने मैंने ये बनाना ऊपर से जो स्किन है वो निकाल देते हैं, हम अच्छी तरह से उसको मैश कर लेते हैं। जैसे हम पोटैटो की पेटीज बनाते हैं वैसे ही हम ये बनाना की पेटीज बनानी है, एकदम इजी है, आसान है। तो देखिए मैंने ये अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया है। तो हम पेटीज की तैयारी कर लेते हैं। तो एक पैन पर मैं डालूंगी 1/2 स्पून जितना मैंने डाला है ऑयल डाला है। उसके बाद हम 1/2 स्पून जितना हल्दी पाउडर डालूंगी मैं।
उसके बाद हम डालेंगे मेश बनाना है वो भी हम डाल देते हैं। उसके बाद हम डालेंगे सॉल्ट एंड उसके बाद हम डालेंगे नींबू है आधा नींबू निचोड़ देते हैं, अच्छी तरह से मेश कर लेते हैं। तरह से मिला लिया है तो देखिए हमारा ये मसाला भी तैयार है। तो हम बना लेते हैं पेटीज बनाएंगे। पेटीज का शेप अपना हिसाब से रख सकते हैं, छोटी मोटी। राउंड शेप में पेटीज बनाई है तो हम ये पेटीज हम हाथ से भी बना सकते हैं एंड हमारे पास जो कोई भी मोल्ड कुकी कटर है उसकी साइज से भी हम ये पेटीज बना सकते हैं। तो मैं ये जो कुकी कटर है उसकी साइज से मैं बनाऊंगी पेटीज बनाऊंगी। कटर से हम ऐसे ही पेटीज बना लेते हैं। तो मैंने ये पेटीज बना लिया है तो गैस पर मैंने ये पैन रख दिया है। अब ये पेटीज को हम शेक लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर हम डालेंगे ऑयल डालेंगे, दोनों साइड ये पेटीज को शेकना है। तो ये पेटीज को पलट देते हैं। ये कच्चे बनाने की रगड़ा पेटी से बहुत बढ़िया बनती है, खाने में भी ये बहुत अच्छी लगती है, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, जरूर ट्राई करिए। तो ये पेटीज को हम दोनों साइड हम शेक लेंगे। तो ये साइड हमारा रगड़ा है वो भी हम बाउल में निकाल देते हैं। तो देखिए हमारी ये दोनों साइड ये पेटीज हो गई है। तो हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। एक हम डिश में हम रगड़ा पेटीज बनाएंगे तो ये पेटीज है वो डिश में हम रख देते हैं। उसके बाद हम डालेंगे ऊपर से रगड़ा डालेंगे। ये रगड़ा है गाढ़ा पतला अपना हिसाब से ये बना सकते हैं। पतला रखना है तो थोड़ा और पानी डालिए तो ये पतला हो सकता है, तो अपना हिसाब से रगड़ा बना सकते हैं। तो देखिए मैंने ये पेटीज पर रगड़ा डाल दिया है। उसके बाद हम ऊपर से डालेंगे ऑनियन डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे टमाटर। डालेंगे ये है लहसुन की चटनी है वो हम डाल देते हैं। ये सारी चीजें अपना हिसाब से डाल सकते हैं, जितना तीखा मीठा खाना पसंद करते हैं। एंड उसके बाद हम डालेंगे ये है इमली की चटनी है, खट्टी मीठी चटनी है वो हम डाल देते हैं। ये ज्यादा डालेंगे तो अच्छा लगता है खाने में। एंड उसके बाद हम डालेंगे ये है ग्रीन चटनी है, हरी चटनी वो भी हम डालेंगे। बाद हम डालेंगे ये बारीक शेव है नाइलॉन शेव वो हम डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे ऊपर से धनिया डालेंगे। तो देखिए हमारा ये यम्मी यम्मी रगड़ा पेटीज बनके तैयार हो गया है। तो आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो देखिए हमारा रगड़ा पेटीज बनके तैयार है।